नमस्कार, मैं हूँ योगिता प्लास और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त हम मौजूद है वॉइस ऑफ एमपी के न्यूज रूम में, जहाँ से हम आपको लगातार देश प्रदेश में होने वाली हर छोटी बड़ी खबरों से अवगत करवाते हैं। और इस वक्त जो मैं आपको खबर बताने जा रही हूँ, मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी है, और वह है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में फिर उपचुनाव से पहले अंडे पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। जी, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कहा है कि आंगनवाड़ी में जो बच्चे अंडा खाना पसंद करेंगे उन्हें अंडा खिलाया जाएगा। साथ ही इमरती देवी के इस बयान पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि क्या इमरती देवी को भाजपा अंडे खिलाने की इजाजत देगी। आपको बता देते हैं कि हमारे पास इसका वीडियो भी है कि इमरती देवी ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए इमरती देवी ने अपने बयान में क्या कहा है। नहीं, जो मैंने मांग की थी और अब भी मांग करूंगी कि एक के आप ही टीवी वाले चलाते थे, आप ही टीवी वाले कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चों के लिए चाहे गर्भवती महिला हो उसके लिए अंडा बहुत पोषित होता है, तो चलाया था लेकिन कुछ विरोध हुआ। लेकिन ये नहीं कहती कि मैं सारे बच्चों को अंडा दूंगी। जो बच्चा अगर अंडा घर में उनका खाता होगा उस बच्चे को अंडा दूंगी, वो जो नहीं खाते होंगे उसको फल दूंगी, केला दूंगी, सेव दूंगी, लेकिन फिर भी चलाऊंगी, करूंगी मैं। तो कांग्रेस पार्टी में जब मैं महिला बाल विकास मंत्री बनी थी तो मैंने अपने मध्य प्रदेश को सुपोषित बनाने का पूरा अपना दमदारी से अपना काम करा था। मैं मध्य प्रदेश से कुपोषित हटाना चाहती हूँ, तो आज भी मैं उसी काम में लगी, सारे अधिकारी लगे, लेकिन क्या है कि प्रदेश में जाके सम्माग में जाके अब इकट्ठी मीटिंग नहीं ले पा रहे। जो मीटिंग हमारी चल रही वो आपके आपको भी पता है, चाहे कैबिनेट की मीटिंग हो तो मीडिया के माध्यम से चल रही, ऐसे ही चाहे कोरोना की मीटिंग हो तो भी माध्यम उसी से चल रही। लेकिन मैं अपने आप में इतने चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश से मैं जल्दी से जल्दी, जैसे ही ये कोरोना की मारामारी हल्की थोड़ी बीमारी कम हो, और मैं पूरे प्रदेश में फिर काम करूँगी जैसे मैंने पहले काम किया। कई जिलों में कई ब्लॉकों से कोरोना मुक्त हो गई थी, ऐसे ही मैं फिर काम करूँगी। मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने एक बार फिर कहा है कि आंगनवाड़ी में जो बच्चे कमजोर हैं उनको पोषित करने के लिए अंडा खिलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जिन बच्चों को अंडा पसंद नहीं होगा उन बच्चे को फल खिलाए जाएंगे, और जिन बच्चों को अंडा पसंद होगा उन्हें अंडा जरूर दिया जाएगा। साथ ही इसी बात पर उन्होंने तर्क करते रखते हुए कहा है कि कमजोर बच्चों को पोषित करने का अंडा सबसे अच्छा आहार होता है और सेहत के लिए भी काफी अच्छा होता है। पहले इस बात पर बहुत विरोध हुआ था, परंतु अब अंडा बांटने की कवायद शुरू की जाएगी। तो ये था मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हमारा अब तक का अपडेट। अन्य अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें वॉइस ऑफ एमपी पर। साथ ही हमारे वॉइस ऑफ एमपी आपको डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।